हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2020। और एक शेयर था जिसको थोड़ा एक ब्रेकआउट भी आया था, RSI डाइवर्जन भी था। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा है, और ये टेक्सटाइल से बिलोंग करता है थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं। और ये रोप्स, फिश नेट, स्पोर्ट नेट्स, सेफ्टी नेट्स, जैसा आप देख ही रहे हैं, ये सब का बिजनेस करता है। 1976 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छा परसेंटेज है, 53% के साथ प्रोमोटर होल्डिंग है। और कहीं ना कहीं ये इसमें FI, म्यूचुअल फंड, DI सभी का बाइंग चल रहा है। और सबसे अच्छा बात है, ये तो हो गया फंडामेंटल, और ये टेक्निकल बोलिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इसका ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी आया हुआ है, जहाँ वीकली चार्ट पे इसका RSI डाइवर्जन भी है, और एक यहाँ वहीं पर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट भी है। आज जो इसका भाव चल रहा है 1673 है, और अगर कोई भी चाहे इसमें शॉर्ट टर्म के लिए 1600 का स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म के लिए 1500 का स्टॉप लॉस से इसको अगर अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट रखते हैं अपने, लेकिन बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। ये मेरा कोई एडवाइस नहीं है, बाय करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। आप सिर्फ इसको पेपर ट्रेड करें, पेपर पर रखें, ध्यान रखें, वॉच। ये मेरा व्यू है, हो सकता है कि आपको यहाँ से ये 2000 का भाव आपको 3 महीने के अंदर दिखाते हुए दिखेगी, तो कोई अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है गरवारे टेक्नोलॉजी फाइबर्स लिमिटेड। आपको जैसा बताया है मैंने, ये हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप्स, फिशिंग नेट्स, स्पोर्ट्स नेट्स, सेफ्टी नेट्स बनाती है। अगर इसके फाइनेंशियल कहें तो ये बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू 5.13 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 7% का है। डेप्ट, सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको, इसकी डेप्ट 150 करोड़ की और इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 177 करोड़ की है। तो जिसका डेप्ट उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कम हो तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग 53% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%। अगर आप 25% का रिटर्न को आपके कैपिटल, अगर आपने कहीं बिजनेस इन्वेस्ट किया है और उसको अगर 25% का रिटर्न मिल रहा है तो आज के डेट में खराब तो नहीं है। अगर इसका रिटर्न देखेंगे, एक साल का, एक मंथ का, तीन मंथ का, छः मंथ का, YTD में 38% का रिटर्न है, एक साल में 50% का रिटर्न है, 2 साल में 43%, 10 साल में 2000% का रिटर्न है। जहाँ पे सेंसेक्स 8% का निगेटिव रिटर्न दिया है वहाँ पे 38% का आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। आप वीकली इससे डर मत जाइएगा कि ये ब्रेकआउट हो, वन वीक में निगेटिव है तो वापस नीचे तो नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। चलो आप फिर भी आप इस पर 1500 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना, 1500 का स्टॉप लॉस आप इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखना। अगर इसके सराउंडिंग पैटर्न को देखें तो आप देखिए FI कहीं ना कहीं इसमें बाई कर रहे हैं, 6.90 से 7.13 म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बाई कर रही है, अदर जो DI है वो भी बाई कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रहते हैं? आपको भी इसमें अपनी पोजीशन को सोचनी चाहिए। अब चलते हैं इसमें टेक्निकली क्या करता है, टेक्निकली कुछ किया गया। आप देखिए ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अभी मार्च में ये आपको 882 रुपये पे मिल रहा था, और ये एक बहुत ही अच्छा टाइम था जहाँ पे आप देखिए RSI डाइवर्जन था इसका, ये यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है और ये देखिए ऊपर की ओर है RSI प्राइस, जो वॉल्यूम है वो नीचे की ओर है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम था 878 के समय, जो कि अप्रॉक्स है 23 मार्च 2020 को, जब ये कोरोना के चक्कर में ये नीचे गिरा था, ये बहुत ही अच्छा था। और ये वापस जो इसका रेट हाई था कहाँ था, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको 1685-1673 के आसपास चल रहा था, 1620 वापस आपको उसी के रेट के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे इस लेवल पे 1635 पे। तो इस कैंडल के आप इसके लोवेस्ट वॉल्यूम को रखिए जो कि है 1520 रुपये, तो कहीं ना कहीं आप 1520 रुपये के लोवेस्ट वॉल्यूम के साथ आप चाहें या 1500 रुपये के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म में इसको बने रह सकते हैं। और यहाँ से ये पहला टारगेट जो देगा, जो 25% मिनिमम रिटर्न है देगा यहाँ से, और जो कि 2000 रुपये का रेट हो सकता है। तो गरवारे वाल्स लिमिटेड एक अच्छा वॉल्यूम है, और हो सकता है कि ये यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न देते हुए दिख सकता है। तो गरवारे पे एक वॉच लिस्ट रख सकते हैं, देख सकते हैं, अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और अगर अच्छा लगे तो इसमें पोजीशन बनाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।